जय हिंद। देखिए 8 फरवरी 2021 से WhatsApp ने जो अपना नया प्राइवेसी पॉलिसी को लाया उसको कह रहा है एग्री कीजिए वरना आपका WhatsApp डिलीट हो जाएगा। आखिर ये क्यों कर रहा है और हमें क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा और क्या हमें सिग्नल या टेलीग्राम पे शिफ्ट हो जाना चाहिए या नहीं, इसको समझिए। देखिए WhatsApp जो है ना, WhatsApp, Facebook और Instagram, ये तीनों के मालिक एक ही हैं, एक ही कंपनी है, इस पर मार्क जुकरबर्ग इसको खेल रहा है। वो इसको देखना चाहते हैं किस तरह से, गूगल की तरह से, जिस तरह से गूगल ने लाया और गूगल के कई सारी कंपनीज हैं, गूगल का ही एक हिस्सा है आपका, गूगल का जीमेल, गूगल लोकेशन, ड्राइव, क्लाउड, गूगल एडसेंस, गूगल का ही है आपका यूट्यूब, और वो ये देखना चाहते हैं कि हम किस तरह से, मतलब हमारी फेसबुक जो है वो गूगल को कम्पिटिट कर सके, इसीलिए वो मतलब ये सारी चीज़ों को ला रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को एक्वायर कर रहे हैं। अब इसमें एक जगह गूगल फेसबुक को लगा कि नहीं थोड़ी सी गलती होगी। देखिए 2009 में जब व्हाट्सअप की खोज हुई थी ना, तो व्हाट्सअप की खोज इसीलिए किया गया था कि उस समय मैसेज काफ़ी महंगे आते थे, एक मैसेज करने के लिए आपको ना क्या आता है 1 रुपये देने पड़ते थे, तो इन्होंने कहा कि भैया फ्री मैसेजिंग की सेवा देनी है और हमें इसमें क्या करना है, प्राइवेसी को ध्यान रखता है कि नहीं भैया हम किसी की प्राइवेसी नहीं देंगे, कौन क्या बात किया, ना कोई रिकॉर्ड कर सकता है ना कोई सुन सकता है, और वीडियो कॉलिंग भी उसकी आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो ये उसको ध्यान रखा गया और इन्होंने बहुत कम चार्ज किया था, $1 साल भर का चार्ज लिया था। लेकिन बाद में 2014 में फेसबुक ने इसे खरीद लिया और फेसबुक ने जानते हैं कितने में खरीदा, $9 बिलियन। $9 बिलियन का मतलब लगभग 1.5 लाख करोड़। फेसबुक $70 बिलियन कमाता है, यानी 5 लाख करोड़ रुपए कमाता है। लेकिन इसके इस कमाई में, ये $70 बिलियन में, व्हाट्सअप अच्छे से भूमिका नहीं निभा पा रहा है जिस प्लानिंग के तहत फेसबुक आया था। अब ये अपने ऐड को बेहतरीन बनाने के लिए, रेवेन्यू ज़्यादा कमाने के लिए ये नया अपडेट लाया है। ये हूबहू जैसे गूगल पहले कर रहा था वही ये भी कर रहा है, कुछ खास अंतर नहीं है। देखिए लोगों को लगता है कि गूगल जो यूट्यूब है वो यूट्यूब से इनकम होती है, भाई जब यूट्यूब 1 रुपया नहीं देता है किसी को, हकीकत तो ये है कि पैसे जो देता है वो गूगल देता है, प्रचार जो देता है वो गूगल देता है, वो प्रचार दिखता भले यूट्यूब पर है, गूगल से जो पैसा आता है भले किसी यूट्यूब के जो जिसका चैनल है उसको जाता है, लेकिन यूट्यूब नहीं देता है, वो कौन देता है, गूगल, गूगल देता है, एडसेंस देता है। यही सोच रहा है हमारा कौन, फेसबुक, कि भैया प्रचार दिखेगा फेसबुक पर लेकिन प्रचार दिखाने वाले को हम लाएंगे कहाँ से, व्हाट्सअप से। जिस तरह से यूट्यूब को आगे बढ़ाता है पीछे से ढकेल ढकेल के गूगल, गूगल एडसेंस, वैसे ही ये फेसबुक को ढकलवाना चाहता है किससे, अपने व्हाट्सअप से, और ऐड बड़ा स्मूथली चलते हैं, जिसको जिस लायक ऐड चाहिए वैसे ही ऐड आता है, आलतू फालतू ऐड नहीं आता है। अब फेसबुक सोच रहा था यार हमारे में जो ऐड आता है वो उतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन यूट्यूब पर ऐड आता है कि जो जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी का ऐड कैसे आता है, तो फेसबुक रिसर्च करना चालू किया कि आखिर यूट्यूब ऐसा करता क्या है, तो उसको काफ़ी चीज़ें जानने को मिली। देखिए जब आप यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो उसमें आपको मेनली 3-4 चीज़ें पूछी जाती है। सबसे पहले 100 अक्षर का आपसे एक टाइटल भरवाया जाता है कि आपने जो ये वीडियो बनाया है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे हम बनाए हैं तो हम टाइटल क्या लिखेंगे कि गूगल ये व्हाट्सअप न्यू पॉलिसी, इसी से रिलेटेड कुछ कुछ लिखेंगे, लेकिन 100 वर्ड में कितना लिखेंगे। नीचे वाले कॉलम में कहता है कि आप हैशटैग भरिए, हैशटैग मतलब हैश लिख के उसके आगे कुछ लिखिए। तो जब कोई चीज़ टाइटल से मैच नहीं करती है ना, तो उसको हैशटैग से देखा जाता है कि हैशटैग में उस चीज़ के बारे में लिखिए, और हैशटैग के बाद भी वो क्या कहता है कि आप उसमें क्या लिखिए, टैग भरिए, टैग मतलब उसी से रिलेटेड चीज़ें भरिए, रिलेटेड उसी से रिलेटेड रहता है। जब टैग भर देते हैं ना, तो उसके बाद कहता है डिस्क्रिप्शन लिखिए कि इस वीडियो में आप क्या क्या चीज़ों के बारे में बताए हैं, यानी जो YouTube है वो पहले ही पता कर लिया कि आपका वीडियो किससे रिलेटेड है। अगर जैसे हम मान लीजिए मेरा मेन वीडियो का तो मेन टॉपिक जो है वो आपकी व्हाट्सअप न्यू पॉलिसी है, लेकिन हैशटैग में क्या लगा देंगे कि टेलीग्राम ठीक है या सिग्नल ठीक है, और फिर टैग में क्या लिख सकते हैं, टेलीग्राम इस हिसाब से रिलेटेड, और डिस्क्रिप्शन में और लिख देंगे नो एवरीथिंग अबाउट व्हाट्सअप न्यू पॉलिसी, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ योर बैंक अकाउंट, ईमेल आईडी, ये सब लिख देंगे, तो वो उसको पता है कि पूरे वीडियो में कहाँ कहाँ चीज़ है। इसके बावजूद वो आपसे और जानकारी मांगता है वीडियो अपलोड करने से पहले, ये हर लोगों को करना पड़ता है जितने लोग अपलोड करते हैं, इसके बावजूद वो आपसे और जानकारी लेना चाहता है, तो कहता है कि आप इसमें कैसी भाषा का प्रयोग किए, मतलब इनएप्रोप्रिएट भाषा तो नहीं लिए, कभी कभी आदमी कुत्ता हरामी बोल देता है तो वो है, आप कोई एडल्ट कमेंट तो नहीं किए, जैसे कुछ कुछ देखे होंगे कुछ लोग गंदे बातों का प्रयोग करते हैं तो वो आपको यस नो करना पड़ता है, आप कहीं लड़ाई झगड़े वाली बात तो नहीं किए, हार्मफुल या डेंजरस एक्टिविटी तो नहीं की, ये पहले ही भरवा लेता है, नहीं भरेंगे
दिखाएंगे तो अपलोडे नहीं करेगा, बाद में जो सोच रहा कहेगा हाई भर पहले पहले हाई भर तब जाके दिखाएंगे। तो वो हर एक जानकारी आपसे पहले से ले रहा है यूट्यूब। हम लोग को वीडियो जाने से पहले ये सब करके भेजते हैं कि नहीं भैया इसमें गाली गलौज कहीं नहीं है, उसके बाद भी ये पूछता है कि ये लड़कों के किड्स के लिए है या नहीं है। तो हम लोग कहते ना भूगा, हम लोग की जो पढ़ाना है ये किड्स के ऊपर से चल जाएगा। तो हम लोग कहते हैं नो, तो बच्चों वाली एड इसमें नहीं आती। इसके बाद कहता है कि आप थंबनेल बनाइए। अब थंबनेल लिखेंगे तो वहाँ हम लोग लिख देंगे कि भैया देखो अच्छा ये लिख रहे हैं कि भैया खान साहब का 1 मिलियन हो गया, तो यूट्यूबर को पता चल गया। यानी ये खुशी वाला बात है, इसमें कोई दुख वाला प्रचार नहीं डालना है। एक और थंबनेल मान के चलिए कि इस दिवाली चीन को सबक सिखाना है, तो समझ जाएगा ओहो चीन के खिलाफ बात बोल रहा है। यानी इस वीडियो में ऐसा प्रचार नहीं देना है कि वीवो कंपनी का फ़ोन खरीदिए चाइना जिंदा, मतलब चाइना से रिलेटेड कुछ नहीं देगा। यानी आपकी वीडियो को अपलोड होने से पहले ही हर एक चीज का डाटा किसके पास आ गया है, यूट्यूब के पास आया है। हर चीज से मिलाने के बाद ये सारा डाटा उठा के गूगल को कहता है कि ले गूगल ये ले गूगल एडसेंस। अब गूगल एडसेंस देखती है कि इसके लिए कौन सा ऐड अच्छा रहेगा। हाँ भैया बच्चों के लिए नहीं है तो बड़े वाला ऐड दिखाओ, गाली गलौज है तो उल्टा सीधा ऐड दिखा दो। अभी इसमें मान के चलिए इसमें एडल्ट सीने हैं, उल्टा सीधा बोलिए रहा है तो उल्टा सीधा प्रचारो देख लो। कैटेगरी वाइज चैनल, मतलब हर चीज पता कर लिया। यही ससुरा पता करना चाहता है कौन, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। जैसे ये आपने सारा जानकारी यूट्यूब को दिया, ये उठा के गूगल को दे दिया, गूगल वैसे ही प्रचार ठूंस दिया। यही चाहता है कि आप जो जो व्हाट्सएप पे कर रहे हैं ये सारा उठा के फेसबुक पे देंगे और फेसबुक उसी हिसाब से फेसबुक वालों को प्रचार दिखाएगा ताकि फेसबुक का प्रचार रेलेवेंट लग सके और फेसबुक को ज़्यादा मज़ा आ सके। इसीलिए वो क्या किया है, ये वाला अपडेट करने के लिए बोला है कि 8 तारीख को कर लीजिए, नहीं तो आपका क्या कर देगा, 8 फरवरी के बाद आपका व्हाट्सएप डिलीट हो जाएगा। अब इसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेंगे, देखिए इसमें कुछ चीज़ें जो मांगी जा रही है वो पहले ही मांगा है, खाली डरवा दिया, कह रहा है कि आपके माइक का एक्सेस लेगा। तो भाई साहब व्हाट्सएप पहले भी आपके माइक का एक्सेस लेता है, रिकॉर्ड करके भेजते हैं, कहाँ पड़ रहे हैं तुरंत सुन जाता है कि नहीं, एक्सेस लेगा। दूसरा कहता है कि आपका नेटवर्क कैसा है हम इसका भी एक्सेस मांगेंगे, तो उसको पहले से पता है यार, वो खाली इसमें बता रहा है पहले से पता है। इसमें मेनली दो ही चीज नहीं है, दो ही नया चीज है इसमें, आपको पहले से पता, जैसे ये दोनों बतिया रहा है सब ना। अब भाई दिन में नेटवर्क खराब रहेगा ना तो बीचों में लिख देगा बैड नेटवर्क कनेक्शन, बैड नेटवर्क कनेक्शन। इसका मतलब इसको आपके नेटवर्क के बारे में पता था तभी तो बोला बैड नेटवर्क कनेक्शन। या फिर आप ऑडियो कॉल भी कीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू तो व्हाट्सएप पे वो भी लिख देता है बैड नेटवर्क रिकनेक्टिंग रिंगिंग कॉलिंग। इसका मतलब इसको व्हाट्सएप को आपके मोबाइल का पता है जियो का नेटवर्क है ठीक नहीं चल रहा है, लिख देगा बैड नेटवर्क एक्सीलेंट नेटवर्क, ऐसे लिखता पहले से भी था। और इस बार जो एक और नया चीज क्या मांगा है, नया चीज ये मांगा है कि आपका मोबाइल किस कंपनी का है ये भी बता देंगे। तो भैया ट्विटर तो पहले से इसको पता करते थे सब, आपको पहले नहीं पता करते थे सब। मोदी जी का देखिए नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, यहाँ बता दिया ट्वीट फॉर आईफोन, मोदी जी आईफोन रख ले। अब व्हाट्सएप भी बता देगा, व्हाट्सएप को ही पता चल जाएगा आप किस मोबाइल से क्या किए ट्वीट किए। तो ये क्यों देखना चाहता है कि भैया अगर कोई बंदा आईफोन से ट्वीट मतलब व्हाट्सएप कर रहा है मतलब ये अमीर आदमी है। यानी इसको प्रचार अमीर वाला दिखाओ, ऑडी कार मर्सिडीज कार। अब कोई सैमसंग से कर रहा है तो मारुति सुजुकी नैनो इंडिगो इस टाइप का दिखाएगा। साथ में जो नया जोड़ रहा है वो गूगल आपका जैसे लोकेशन देख लेगा, आप अपना लोकेशन ऑन रखिए या नहीं रखिए, जैसे ही आप इस एग्रीमेंट पे एग्री करेंगे आपके लोकेशन को ये पता कर लेगा आराम से कि आप कहाँ जा रहे हैं। इससे उसको ऐड दिखाने में फ़ायदा होगा। आपका मोबाइल का व्हाट्सअप है, मान के चलिए हम पटना से गए दिल्ली, तो ये व्हाट्सअप को बता देगा ये खान साहब दिल्ली आया है, तो ये व्हाट्सअप को तुरंत फेसबुक को बताया अरे खान साहब दिल्ली गए, तो तुरंत हमको ऐड जो आएगा हम फेसबुक खोलेंगे, व्हाट्सअप पर ऐड नहीं आएगा। अगर हम फेसबुक खोलेंगे तो फेसबुक पे दिल्ली से रिलेटेड आएगा, इंडिया गेट जाने के लिए यहाँ रेस्टोरेंट है ये कैब ले लीजिए, ये ओला बुक कर लीजिए, यहाँ रहने का जगह है अक्षरधाम में जाइए, आज ऑफर है यहाँ ये है, ये सारा का सारा काम कर रहा है। सब सोचिए ये लोग इतना आगे इन लोग का सोच है यहाँ पे। साथ ही ये कह रहा है कि हम आपकी भाषा का भी एक्सेस मांगते हैं, आप किस भाषा का प्रयोग करते हैं। ये अब तक इसको व्हाट्सएप को पता नहीं था कि आप किस भाषा में करते हैं, वो उसकी मशीन को पता था, उसको नहीं पता था। इससे फ़ायदा क्या होगा, अब मान के चलिए हम हिंदी भाषा वाले हैं और कोई हमको बंगाली में ऐड दिखाएगा तुम्हें कोथा कोरबेन आमी भालो, जो हमको समझे में नहीं आएगा कौन जी भालो कोथा कोरबेन, तो हमको पता रहना चाहिए भैया कौन भाषा के हैं। अब हमको आप देखिए कभी भी आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा ना, नीचे सरकाते जाइएगा, आपको बंगाली भाषा के वीडियोज़ नहीं आएंगे, उड़िया के नहीं आएंगे, तमिल के नहीं आएंगे, और अगर आप तमिल के हैं तो फिर आपको कश्मीरी भाषा के नहीं आएंगे। तो वो देखता है यूट्यूब हुआ कि सोचा कौन भाषा का है, उसी हिसाब से उसको ब्राउज फीचर में देता है, सर्च कर करके देता रहता है कि देखते रहो, अपना एग्ज़ाम छोड़ो भाड़ में जाए, रेलवे का एग्ज़ाम भाड़ में गया, घसकाते रहो देखते रहो घसकाते रहो, मतलब उस आपकी मेंटेलिटी उसको पता है
क्योंकि वीडियो में पहले हम लोग भी बता दिए क्या क्या बताने वाले हैं, और आपकी सर्च हिस्ट्री से गूगल के पास पहले से आपकी हिस्ट्री पता है, आप क्या क्या सर्च करते हैं ये सब कुछ पता है गूगल को। भले आप डिलीट कर देते हैं, क्या होता है गूगल, आप जाइएगा जीमेल में, वहाँ सेटिंग में जाके बंद करना पड़ता है कि तू हमारा हिस्ट्री मत देख, तब बंद होता है, अदरवाइज सबका देखते रहता है। इसलिए आपको कभी भी गूगल पर आप सर्च किए रहेंगे कि अच्छा एक बताइए टाटा की गाड़ी सही है कि महिंद्रा की गाड़ी सही है, कभी अगर सर्च किए रहेंगे तो कभी ना कभी यूट्यूब जब आप खोलेंगे तो आपको दिखा देगा टाटा वर्सेस महिंद्रा। मतलब आप गूगल पे किए थे और देख लिए यूट्यूब पे, वैसे ही आप व्हाट्सएप पे कुछ करेंगे और उसको दिखाएगा फेसबुक पे। इतना बेहतरीन ढंग से ये अपडेट ला रहा है, तो अब तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। आगे समझते हैं, इसका कहना है कि हम आपके मैसेजेज को भी हम अब क्या करेंगे, पढ़ेंगे, कुछ कुछ हम अपने पास स्टोर रखेंगे, लेकिन ये इनक्रिप्ट रहेगा। इनक्रिप्ट आगे समझाएंगे क्या होगा। जैसे मान के चलिए दो आदमी चैट कर रहे हैं कि हमको डेयरी मिल्क खाना है, वो कहते नहीं हम किट कैट खाएंगे, वो कहते नहीं हम चाउमिन खाएंगे, हम मैगी खाएंगे, ये बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से भी व्हाट्सअप से आप चैटिंग कहाँ कर रहे हैं व्हाट्सअप पे कि हम ये खाएंगे, और ये ससुरा व्हाट्सअप पर जानते हैं क्या करेगा, भेज देगा फेसबुक पर कि देखो खान सर जो है कोनों से बतिया रहे थे कि हम चाउमिन खाएंगे फेसबुक खाएंगे, जो ना से बतिया रहे थे ना उसका फेसबुक उसका नंबर ये है और खान सर का ये नंबर है, नंबर भी शेयर कर देगा। आदमी को नहीं शेयर करेगा, अमेरिका शेयर करेगा मालिक को उसको, या जो उसका रीजनल ऑफिस है उसको, ये देखते खान सर का नंबर ये है। अब क्या करेगा वो फेसबुक हुआ कि अच्छा डेयरी मिल्क बतिया रहे हैं, टिकटॉक बतिया रहे हैं, और इनको मैगी खाने का मन कर रहा है। अब अगर हम गलती से इसी बीच अपना फेसबुक खोलेंगे तो उसमें आ हा हा किटकट का प्रचार आ जाएगा, मस्त मिंटॉस जिंदगी इस टाइप का, और हम जिससे बतिया रहे थे उसका भी मोबाइल नंबर है, और वो बता दिया गूगल उसका वाला व्हाट्सअप, वो भी बताया फेसबुक को कि यही से बतिया रहे थे कि किटकट की चाउमिन की मैगी, एकरो प्रचार देखा एकरो। अब क्या है कि उसका प्रचार रेलेवेंट लगने लगेगा, तो लोगों को लगेगा यार फेसबुक कितना बढ़िया चीज़ है, जो चीज़ मन में आता है ना तुरंत प्रचार उसी का आता है। तो 100 बार प्रचार दिखाएगा तो या तो खरीद ही लोगे, तो कंपनी को भी फायदा होगा। अभी कंपनियां गूगल को ऐड देती हैं क्योंकि कंपनियों को पता है कि गूगल को अगर हम ऐड देंगे तो ये कभी भी किसी रिक्शा वाले को मर्सिडीज का प्रचार नहीं दिखाएगा, जो जिस लेवल का है उसी लेवल का प्रचार दिखाएगा, फेसबुक वाला कोनों को कोनों दिखा देता था। तो ये व्हाट्सअप मदद करेगा। मान के चलिए आपने चैट कर रहा है, सपोज कि ये आगे जाके ऐसे ऐसे होगा, अभी खुल के व्हाट्सअप ने भी नहीं कहा है, लेकिन उसका प्लानिंग यही है कि मान के चलिए आपने किसी का यार बिरयानी खाने का मन कर रहा है, उसे उसका मशीनियाँ पकड़ लेगा बिरयानी, ये कहाँ गया बिरयानी व्हाट्सअप पे, उसको पता चल जाएगा आने वाले वक्त में ये यही करने वाले हैं सर, और कुछ नहीं, इनका प्लानिंग यही है, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे सर, खुद को कमाने का ये प्लानिंग है, डिस्टर्ब करने का नहीं। आपने लिखा उसको बिरयानी, अब उसका मशीन पकड़ लिया बिरयानी है, ये किसका मशीन पकड़ा है व्हाट्सअप पे, आपने तो व्हाट्सअप पे लिखा है बिरयानी खाने का मन, अब ये ससुरा बिरयानी दे देगा फेसबुक को, कहीं दो आदमी बिरयानी खाने का कर रहा है, तो फेसबुक तुरंत मान के चले फेसबुक खोला हो तुरंत कह देगा जोमेटो पे बिरयानी ऑर्डर करें, लेटेस्ट बिरयानी ऑर्डर नाउ, क्या देखा अच्छा बिरयानी खाता है, इसका मतलब ये केएफसी भी खाएगा, तुरंत केएफसी का दिखा देगा, ओहो चिकन राउस दुका दुका दुका, तो भैया जो ना का बिरयानी का मन था वो केएफसी में घुस जाएगा, केएफसी का भी प्रचार हो गया, प्रचारे पे तो ये सब जिंदा है सब। मान के चलिए कोई लेंस वंस का बात किए चश्मा उसमें lenscard.com ये कॉम दुनिया भर का, यानी आपका प्रचार एकदम रेलेवेंट, जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको आप फील कर रहे हैं, देखिए जिस चीज़ को आप फील करते हैं ना उसको कहीं ना कहीं आप व्हाट्सअप पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, कहीं ना कहीं करते हैं। एक बार की बात है कैलिफोर्निया में एक महिला जो थी वो चौंक गई जब एक सोशल मीडिया कंपनी उसको उसके बच्चे के लिए फीडर गिफ्ट किया, फीडर समझते हैं दूध पीने के लिए, तो कही कि भाई मेरा तो बच्चा ही नहीं है, आपने हमको ये गिफ्ट क्यों किया है, उसने कहा कि आप प्रेग्नेंट हैं। यस ससुरा कहीं का, यानी वो पिछले 8 महीने से उसके चैटिंग, उसकी क्या क्या बात हुई थी वीडियो, मतलब उसके क्या क्या चैटिंग किए गए थे उसके हस्बैंड से क्या क्या, इसके हिसाब से उस महिला से पहले उसको पता है गूगला उगला को कि इसे जो है प्रेग्नेंट है। यानी हम जो हम जिस तरह से बिहेव करते उस तरह से चैटिंग भी रहती है। 1 जनवरी के दिन सबकी चैटिंग हैप्पी न्यू ईयर, ससुरा गूगला देखेगा हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आ गया क्या, सब जान जाएगा। ये बस वो यही जानना चाहता है कि आपका बिहेवियर क्या है। तो इसी को कहते हैं भैया प्राइवेसी भी छीन सकते हो, और घंटा प्राइवेसी बच गई है आजकल, अगर कंपनी चाहेंगे सब तो सब कर देगा सब। हाँ बस थोड़ा सा इंक्रिप्शन है जो हम लोग को बचा के रखा है। देखिए जो सबसे बड़ा खतरा लग रहा है वो गूगल ये व्हाट्सअप ने ये कह दिया कि हम आपके पेमेंट हिस्ट्री को रखेंगे। अब लोग घबरा गए कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, व्हाट्सअप को पता चलेगा नहीं पता चलेगा। देखिए ये उसकी प्लानिंग है, जिस तरह से गूगल क्या करता है आपका पैसा उठा के दूसरे में भेज देता है, कहता है गूगल पे, पेटीएम क्या करता है आपका पैसा लिया दूसरे को भेज दिया। इसमें ससुरा पेटीएम का किया कुछ नहीं, लेकिन करोड़ों कमा रहा है, तो व्हाट्सअप का है
पीछे रह गया। तो इसने कहा कि व्हाट्सअप पेमेंट यानी आपको किसी को भेजना है तो आप व्हाट्सअप पेमेंट के लिए भेज दीजिए। वो कह रहा है कि हम आपका पेमेंट हिस्ट्री नहीं याद करेंगे कि आप पेटीएम से किसको किए, गूगल पे से किसको किए, ICICI में कितना है, HDFC में कितना है, इसमें कितना है, नहीं हमको नहीं मतलब, आप मेरे व्हाट्सअप पे से कितना किए इसका रिकॉर्ड हम रखेंगे ताकि हम आपकी हैसियत आपकी औकात जान सकें और इसी हिसाब से आपको या आपसे रिलेटेड व्यक्ति को हम प्रचार दिखा सके, क्योंकि जिसकी जैसी हैसियत होती है ना वैसे ही हैसियत में उसकी दोस्ती होती है। अब हम लोग की दोस्ती अंबानी से नहीं हो जाएगा, उसे पहचानबो नहीं करेगा, कौन जी है खान सर, निकलिए यहाँ से, खान सर चले यहाँ पे, नहीं पहचानेगा। तो वो ये देखना चाहता है कि आपके पेमेंट हिस्ट्री से जानकर आपकी औकात पता कर लेगा कि महीना में खाली 1,000, 1,500, 2,000, 2,000, 5,000 ऐसे भेज रहे हैं तो समझ जाएगा कि भैया मिडिल लेवल का आदमी है। और आपके अगर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं 10 लाख, 20 लाख, 12 लाख, 13 लाख तो कहेगा व्हाट्सअप हुआ कि भैया ये व्हाट्सअप पे के थ्रू 20-20 लाख ट्रांसफर कर रहा है महीना में, एक काम कीजिए इसको प्रचार दिखाइए। तो हमारा फेसबुक पे प्रचार कैसे आएगा, मर्सिडीज, आउडी, फॉर्चुनर, इंडिवर, इस टाइप का आएगा यहाँ पर। लेकिन दूसरे अकाउंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं या कोई पेटीएम वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, ये इसका फ्यूचर का प्लानिंग है और इसी हिसाब से ये डिसाइड करेगा। मान के चलिए हमारा पेमेंट बहुत कम हो रहा है तो डेबिट कंपनियों को कहेगा कि क्रेडिट कार्ड कंपनियों की, भैया इसको पास पैसा लगता है कम है, इसको क्रेडिट कार्ड दीजिए। तो आप फेसबुक खोलेंगे ना तो आपको प्रचार आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड लीजिए, बिना पैसे बैंक से ले लीजिए। देखिए क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बैंक आपको जब उधार दे देती है तो उसी को कहते हैं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में आपका पैसा नहीं रहता, बैंक का पैसा रहता है, बैंक आपको लिमिट देती है कि भैया 2 लाख तक निकाल सकते हो या 20,000 तक निकाल सकते हो, आप निकाल लीजिए, वो आप ही का पैसा एक तरह समझिए, कब तक, बस 40 दिन तक, उससे ज़्यादा जाएंगे तो ब्याज लेने लगेगा। जबकि डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड होता है उस व्यक्ति को डेबिट कार्ड की जरूरत होती है जिसके पास बैंक में अपना पैसा है, तो डेबिट कार्ड से हम अपना पैसा निकालते हैं, क्रेडिट कार्ड से बैंक का पैसा निकाल लेते हैं। अब एक बात बताइए, कोई व्यक्ति है जो 10-10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 16 लाख, 12 लाख ऐसे भेज रहा है ट्रांसफर इससे, तो इसको तो सारा हिस्ट्री पता है। अब भैया अगर ऐसे आदमी को जो करोड़पति है उसको अगर आप कहिएगा कि आप हमसे क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड 20,000 रुपया हम आपको दे देंगे, तो झाड़िए ना देगा, फेसबुक को भी गरियाएगा कैसे प्रचार देता है, तो उसके लिए डेबिट कार्ड देगा, ये लीजिए प्लेटिनम डेबिट कार्ड, 1 दिन में 1 करोड़ निकाल लीजिए। तो ये करना चाह रहा है व्हाट्सएप की मदद से और व्हाट्सएप पे की मदद से फेसबुक करना चाह रहा है। देखिए अगर आप सोचते हैं कि हम पेटीएम से किसको भेजे हैं ये पता कर लेगा कितना भेजे हैं, बैंक से कितना, में नहीं पता कर पाएगा, भले आप उससे किसी का स्क्रीनशॉट लेके, जैसे अक्सर क्या होता है कि किसी को पैसा भेजे, अब उसको पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, हम लोग इधर स्क्रीनशॉट लेते हैं या फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज देते हैं कि देखो भैया पहुंच गया, जब पहुंचेगा तो तुम समझा, इसको वो नहीं पढ़ पाएगा। क्योंकि आप जब व्हाट्सएप खोलते होंगे तो ऊपर एक टाइप का मैसेज ब्राउन कलर में आता होगा, मैसेज सेंड टू दिस चैट एंड कॉल आर नाउ सिक्योर्ड विद इन टू इन इंक्रिप्शन। ये इंक्रिप्शन क्या होता है, देखिए भैया इंक्रिप्शन का मतलब होता है आपकी भाषा को बदल देना। जैसे आप व्हाट्सएप से कोई पर्सन ए है, ये पर्सन बी से बात कर रहा है, बीच में है सर्वर, क्योंकि वो मैसेज सर्वर के थ्रू ही जाता है, डायरेक्ट कैसे चल जाएगा वहाँ पे, तो ये इसने लिखा लव यू ग्रानी। अब एक बाबूजी देख लेंगे, तब पापा देख लेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जब ये सर्वर में जाता है ना तो इससे थोड़ा कुछ और हो जाता है, देखिए पता नहीं क्या लिख दिया, AK#47 0O+ sign=, मतलब इसको कुछ कोड में बदल देगा ले, और आप सर्वर को ये कोड पता चलेगा। लेकिन इसकी यही खराबी होती है इंक्रिप्शन की, ये रिवर्स नहीं हो सकता है। अब सोचेंगे कि ये क्या लिखा था, तो इससे देख के आप नहीं पता कर सकते। यानी अगर YouTube को या Facebook को या किसी चीज़ को आप जो लिखते हैं उसको पता ही नहीं चलता, उसको ये हैशिंग कोड पहुंचती है, ये इंक्रिप्टेड कोड पहुंचती है, इसके बाद इसको डिक्रिप्ट किया जाता है। यहाँ क्या हुआ, इनक्रिप्ट, इनक्रिप्ट में क्या बन गया, एक कोड बन गया, तो सर्वर में क्या चला गया, कोड चला गया। अब जो जिसको आप भेजे हैं उसके पर जाएगा डिक्रिप्ट, उसको पहुँच जाएगा लव यू ग्रैनी, ये पहुँच गया आप। तो व्हाट्सएप का कहना है कि भैया देखो हम तुम्हारा डाटा, मान के चलिए कि आप किसी को भेजते हैं कि मेरा अकाउंट नंबर ये है, पेटीएम कार्ड ये है, उसका पासवर्ड ये है, तो कह रहा है कि भैया हम मिसयूज कैसे करेंगे, हमारे पास वो पासवर्ड थोड़े आएगा, हमारे पास तो है कोड आएगा, और इस कोड से हम रिवर्स कर ही नहीं सकते हैं, वही व्यक्ति कर सकता है जिसको भेजा गया है, तो आप इसका टेंशन नहीं लीजिए। हाँ लेकिन अगर आप मेरा एप्लीकेशन यूज करेंगे व्हाट्सअप पेमेंट तो हम पता कर लेंगे। तो भैया कौन नया चीज़ है, पेटीएम वहाँ नहीं पता रखता है, पेटीएम में हिस्ट्री नहीं होता है, फोन पे में हिस्ट्री नहीं होता, वही तो कह रहा है कि हिस्ट्री हम लोड कर लेंगे वहाँ पे, वही हो जाएगा, ये चीज़ हो जाता है। इसमें एक और खासियत है,
कि जैसे आपने मैसेज भेजा, तो मैसेज भेजते हैं आपके यहाँ से निकल गया तो एक ठोस लाइन हो जाता है, उसके पास पहुँच गया तो दो गो लाइन हो जाता है, पहुँच जैसे गया पढ़ लिया तो ब्लू हो जाता है। तो ये कहता है कि देखिए जैसे मैसेज निकला और ये व्यक्ति जैसे पढ़ लिया यहाँ से ये डिलीट हो जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है डिलीट हो जाता है, यानी उसके सर्वर में डाटा नहीं रहता है तब तक जब तक वो पढ़ा नहीं है। लेकिन मान के चलिए आपने किसी को भेज दिया हैप्पी न्यू ईयर और उसे जरा पढ़वे नहीं किया अभी तक, तो उसके पास वो रहेगा कब तक सर्वर में रहेगा, 30 दिन तक रहेगा। कब तक रहेगा 30 दिन तक। 30 दिन के बाद वो हैप्पी न्यू ईयर के पास एगो लाल रंग का ऐसे आ जाएगा बन के कि जा ससुरा सर्वर में से भी उड़ गया। कहाँ से उड़ गया, सर्वर में से भी उड़ गया। तो आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि सर्वर तक वो जाता है, लेकिन अगर मान के चलिए वो पढ़ लिया तो सर्वर में से वहीं उड़ गया, नहीं पढ़ा तो 30 दिन तक रहा। इस 30 दिन में भी कोई मिसयूज नहीं कर सकता क्योंकि उसे हैशिंग कोड मिला है, ना कि आपका मैसेज मिला है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि देखिए आपको बैंक अकाउंट से कुछ घबराने की बात नहीं है, ये सारी चीज़ हो गए। फेसबुक टोटल अपनी कमाई को बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ रही बात फेसबुक की प्राइवेसी की, तो भैया इस पे 100% कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इनका मतलब रवैया थोड़ा सा उटपटांग रहता है। देखिए फेसबुक वाले कितना आगे बढ़ रहे हैं सब, कमाने का जरिया सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना डेवलप कर रहे हैं सब कि आपकी चैटिंग को देख के बता सकते हैं सब कि आप क्या मतलब आप क्या कर रहे हैं सब पता है गूगल वाले को। हम हिंदुस्तान वाले क्या कर रहे हैं, ये फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम, ये 22 साल का लड़का 23 साल का लड़का कितना आगे जा रहा है यहाँ पे। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपस में लड़ते हैं, तुम मराठी हम बिहारी। हम लोग में भी अपडेट आता है, ऐसा नहीं कि मराठी बिहारी हम साउथ के तुम नॉर्थ के गुजराती राजस्थानी, ऐसा नहीं। हम लोग में भी अपडेट आता है, अपडेट आएगा तो क्या आएगा, हम ऊँचे जात के तुम नीचे जात के, हम श्रेष्ठ हैं तुम अछूत हो, अब इस पर लड़ेंगे। अब इसमें भी अपडेट आएगा ना, तो हम हिंदू धर्म के तुम मुस्लिम धर्म के, तुम जैन धर्म के तुम सिख धर्म के, इसमें भी अपडेट आते रहता है। हम कांग्रेस के तुम बीजेपी के, तुम जेडीयू के, तो तुम इनके तुम इनको, हम लोग में भी अपडेट आता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग में अपडेट नहीं आता, और हम लोग की पॉलिसी तो ऐसी आ जाती है, लड़िए लोग जो इसमें लड़ेगा वो जाएगा। और भैया इसमें समझाना बेवकूफ़ी है क्योंकि जो इस लाइन में गया वो कभी आ ही नहीं सकता है, समझाने जाएंगे तो आप ही को कहेगा तो धीरेशियार बनता है, हमको लड़ने दे तो लड़ो। खैर टॉपिक पे आते हैं, देखिए फेसबुक का रवैया बड़ा उटपटांग रहता है। आप देखिए ये इतना हिंसा हुआ और लास्ट में इनका इनका अकाउंट डिलीट किया गया, जबकि भारत में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान आज तक किसी पे हंगामा नहीं किए, इस तरह किसी की बिल्डिंग नहीं तोड़े, शांतिप्रिय वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोग का फेसबुक पेज डिलीट कर दिया गया। क्या कि कॉपीराइट स्ट्राइक आके। सबसे बड़ा खराबी इसमें केवल दो ठो है, पहला ये है कि विदाउट नोटिफिकेशन आपके अकाउंट को अब बंद किया जाएगा, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो ये आपका व्हाट्सअप हो। दूसरा कि पेमेंट गेटवे वाली जो मैटर थी, दोनों हम आपको समझा दिए यहाँ, और इनका नहीं डिलीट किया। आप कहेंगे कि सर तब तो ट्विटर भी तो बहुत लास्ट में डिलीट किया था। देखिए ट्विटर जो है बहुत ज़्यादा लिखने का जगह नहीं देता है और ना ही बहुत बातें बोलता है, लेकिन फेसबुक में तो अनलिमिटेड लिख दीजिए, अनलिमिटेड बोल दीजिए, इस सब में ज़्यादा झमेला होता है, तो फेसबुक ज़्यादा फैलाता है, इसलिए आप 100% फेसबुक पर बिलीव नहीं कर सकते। अब इलॉन मस्क ने कह दिया कि आप सिग्नल यूज कीजिए। देखिए सिग्नल और व्हाट्सअप में कोई अंतर ही नहीं है, तो अंतर क्या समझा, दोनों सेम ही है। लेकिन बात आती है कि भैया इसमें बेस्ट क्या, भैया है सेम। देखिए आप दोनों का लोगो भी देख लीजिए, सही है, एक ही जैसा लोगो है, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा है, लोगो एकदम सेम है, बट हम कहते हैं कि दोनों में बेस्ट कौन है, तो जब दोनों में बेस्ट आता है तो सिग्नल आ जाता है। रीजन समझिए क्या, व्हाट्सएप पे आपने क्या लिखा और इसकी जो इंक्रिप्शन में जो कोड बनाई जाती है, यह कोड जो बनाने का काम करती है वो सिग्नल कंपनी करती है, सिग्नल कंपनी करती है, यानी जो टेलीग्राम का कोड बनता है या फिर व्हाट्सअप की जो कोड बनती है, तो जितने इंक्रिप्शन का काम होता है वो सारा इंक्रिप्शन का काम कौन करता है, सिग्नल कंपनी करती है। तो इस मैटर पे ये बेस्ट है। अब व्हाट्सअप और टेलीग्राम में कौन सही है, तो आप लोग को पहले से पता है कि व्हाट्सअप नंबर से भी बन सकता है, इसके लिए नंबर और नाम कुछ भी चलेगा यहाँ पर, यानी जब तक नंबर नहीं पता है आपसे व्हाट्सअप से कोई नहीं जुड़ सकता है, लेकिन आपसे ये यूजर नेम से भी इसे जुड़ा जा सकता है। इसकी खराबी क्या है कि भैया ये सिंगल यूज के लिए होता है, नहीं तो ग्रुप बना सकते हैं, सिंगल चैट के, नहीं तो ग्रुप, और ग्रुप में भी 250 लोग जुड़ सकते हैं, और एक बार में आप 5 लोग को मैसेज कर सकते हैं, यानी कॉपी करके पहले की तरह नहीं धर धर सेलेक्ट करिए एक के बाद धड़ाक से फेंक दिए, नहीं आप 5 लोग को जाता है यहाँ पर। इसमें क्या आप सिंगल यूज कीजिए, मैं तो ग्रुप बनाइए, तो ग्रुप में 200,000 लोग जुड़ सकते हैं। ग्रुप की खराबी क्या होती है कि इधर से भी मैसेज होगा उधर से भी मैसेज होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चैनल बना दे तो चैनल बना दीजिए, चैनल हो जाएगा यूट्यूब की तरह टुकु टुकु, देखिए क्या बोल के चल गए, आप हमारे में कोई एडिट नहीं कर सकते। तो इसकी एक खासियत ये होती है, ये 100 MB तक का ही डाटा भेज सकता है,
ये 2 GB तक का डाटा भेज सकता है, यानी वो अच्छा है। इसमें PDF वीडियो उतना अच्छा नहीं जाता, उसमें धड़ाक से चल जाता है। लेकिन देखिए, इसको कंप्रेस किया जाता है, मतलब जो फाइल है उसे दबा दी जाती है, इसलिए वीडियो की क्वालिटी और इमेज की क्वालिटी घट जाती है। इसमें आपको दोनों ऑप्शन है, अगर क्वालिटी घटाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो बिना कंप्रेस करके भेजिए, एकदम वैसे ही पहुँचेगा जिस तरह से मेल पर पहुँचता है। इसमें आप स्टेटस लगा सकते हैं, यही फायदा है। क्या कर रहे हैं आप देखेंगे ना, लड़की से जाती है इसे कपड़ा खरीदने ना, तो ड्रेसिंग रूम में कपड़ा चेंज करके ऐसे थोड़ निकाल लेती हूँ कुछ फोटो खींच के, हाँ स्टेटस लगा दी, बुझाई कि इनके पास 20 कपड़े धैल बा यहाँ पर, समझ में। इसमें स्टेटस का कोई फंक्शन नहीं रहता है, ये दोनों इनक्रिप्टेड रहते हैं, ये भी इनक्रिप्टेड है, ये भी इनक्रिप्टेड है, आपका मन आप जो करिए। अरे यार ये सब हम क्या बोले, अब पटना का ऑफिस खुल गया, ऑफिस हुआ में लड़कवा जाके कह रहा है सर कि सर को बोलिए ना यूट्यूब पे जो आया है उस व्हाट्सअप वाला बनाइए जल्दी, क्या है डिलीट करे कि एग्री करे। अरे यार ये सब चीज़ हमसे तो अच्छा, ये टेक्निकल जिनका चैनल होता है वो लोग बताएंगे, लोग हम लोग कौन चीज़ बताएंगे इसमें टेक्निकल के बारे में ये सब चीज़ें। अब लड़का कर रखने इसको भी बताइए, अब समझ में आ गया, आप डिलीट करिए ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 99% लोग इसको एग्री कर देंगे और इससे कोई खास खतरा वगैरह नहीं है, इसको खतरा नहीं है, बस फायदा है किसको भैया, फेसबुक को। आई होप आप इसे समझ गए होंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।